हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके मौज मथी चैनल पर पीके श्रीवास्तव आप लोग यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का सेशन है मैथ पार्ट 78 का। जो भी स्टूडेंट मैथ पार्ट 77 नहीं देखे है तो पीके मौज मथी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बेसिक रूप से। चलिए पहला क्वेश्चन को चलते हैं। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान उम्र क्या है? यानी माया का वर्तमान उम्र आपको पूछ रहा है दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, बहुत बेसिक रूप से। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों क्या करा है, देखिए अनुपात का आप जो अंतर देख लीजिए। ये 609 हुआ, कितना का डिफरेंट हुआ? 3 का। और ये 5 से 8 हुआ, कितना का डिफरेंट हुआ? 3 का। ठीक है, और क्या करा कि 15 साल के बाद, तो दोस्तों आप ही बताइए, यानी 3:3 बराबर कितना? 3:3 बराबर कितना? 15 साल बाद बोल रहा है। तो 1:3 बराबर कितना होगा? तो 1:3 बराबर क्या होगा दोस्तों? 5, 5 3 का 3, 3 5 15, यानी 1:3 बराबर 5। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या माया का उम्र बन रहा है, तो माया का अनुपात उम्र कितना है दोस्तों? 6। ठीक है, और छाया का उम्र कितना है? 5। ठीक है, 1:5, तो 6:6 बराबर कितना होगा दोस्तों? 6×5=30, यानी माया का बोल रहा है ना, तो माया का तो 6 ही है ना, तो 1:5, तो 6:6 बराबर कितना होगा दोस्तों? 30। ठीक है, 6:6 = 30। अगर जो यहाँ पर पूछ देता दोस्तों कि छाया का उम्र, तो छाया का उम्र कितना है दोस्तों? 5। 6:5 है ना, 5 है, तो 1:5, तो 5:6 कितना होगा दोस्तों? 25। यानी माया को उम्र जब पूछा है दोस्तों तो कितना होगा? 30 वर्ष हो जाएगा, और जब छाया को उम्र पूछता है तो 25 वर्ष होता है। देखिए माया को उम्र 30 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस करके अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक चोर है जो 12 बजे गाड़ी को चोरी किया। ठीक है, और वो चुरा कर भाग रहा था 7 किलोमीटर की प्रति रफ्तार की, यानी 1 किलोमीटर में जो है ना दोस्तों 1 घंटे में जो है ना दोस्तों 7 किलोमीटर जो है ना वो दूरी का मतलब चाल से जो है ना भाग रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भागता था। ठीक है, चोर का पता यानी जो मालिक था उस गाड़ी का, उसको चोरी का पता जो है 3 बजे चला। 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर की रफ्तार की घंटा से चाल से किया जाता है। ठीक है, कितने घंटे बाद वह पकड़ा जाएगा, यानी कितने घंटे में पकड़ लेगा चोर को, वो आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, और आप लोग जो है ना क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो वीडियो के स्किप करने से आपको समझ में डिटेल के साथ नहीं आएगा। दोस्तों आप ही थोड़ा दिमाग लगे, 12 बजे उसने चोरी किया और 3 बजे जाके पता चला। ठीक है, 3 बजे के बाद उसको जो है ना पीछा करने का जो है ना जुगाड़ चालू कर दिया। तो दोस्तों 12 से 3 कितना? 3 घंटा, यानी 3 घंटा में इसने और 60 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा, 3 घंटा तक तो चल गया, 3 घंटा तक चल गया था कितना? 36:18, यानी 3 गुने कितना? 3 गुने 60 कितना होगा दोस्त? 36:18, 180 किलोमीटर तक तो चल चुका है। इसके बाद जो है ना वो पीछा करना चालू किया, चोर को पकड़ने का प्रयास करने का प्रारंभ किया। तो दोस्तों देखिए 60 से 80, यानी ये चोर 60 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चल रहा है, फास्ट में भाग रहा है, और उसका गाड़ी का जो मालिक था ना, जो गाड़ी जिसका चोरी हुआ था, वो जो है ना उसको पकड़ना चालू किया 80 किलोमीटर घंटा के हिसाब से, यानी 1 घंटा में जो है ना 80 किलोमीटर चलना है। तो दोस्तों देखिए डिफरेंट कितना हुआ दोस्तों? 20 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है ना, समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर दूरी बराबर समय बट्टा चाल, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। देखिए दोस्तों दूरी कितना है कि 180 किलोमीटर उसने भाग गया है, और जो है ना रफ्तार कितना है, चाल कितना है दोस्तों? 60 से 80, यानी 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। अब इसी 20 से आप काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं, 20 का 20, 20 नंबर 80, यानी कितना? 9, यानी बराबर कितना? 9। देखिए तो ये जो है ना दोस्तों कितने घंटे में पकड़ा जाएगा दोस्तों? 9 घंटे में जो है ना पकड़ा जाएगा। 9 घंटे तक जो है ना 80 की रफ्तार से अगर ये चलेगा, ये जो गाड़ी का मालिक का गाड़ी चोरी हुआ था, तो उसको जो है ना 9 घंटे में गाड़ी वो
पकड़ा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 9 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 9 मेरा सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस करके अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर कितना, 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, ठीक है। तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। दोस्तों आपको ये बताना है कि 12 से जब उसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है ये देखिए, ये जो 12 से भाग बोल रहा है ना और ये 36 से भाग बोल रहा है, तो देखिए 12 से 36 में पूर्णतः भाग लग जाएगा। जी हाँ, 12 या 36 तीन बार में पूरा पूरी भाग लग जाता है दोस्तों। ये देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिक ट्रिक भी बताऊँगा। देखिए दोस्तों जब 12 से 36 में भाग लग जाता है तो बोल रहा है कि 12 से भाग देने पर शेषफल की बात कर रहा है ना, तो ये जो 19 है ना दोस्तों, हम 19 में जो है ना 12 से भाग दे देंगे। जब 19 में 12 से भाग देंगे तो 12 का ये 12, ठीक है, कितना बचेगा दोस्तों, 9 में से 7, 2 गया तो 7, यही 7 मेरा शेष बचेगा दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर, इसके बाद जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये तो रहा ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब देखिए बेसिक ट्रिक मैं बताता हूँ, बेसिक ट्रिक क्या है दोस्तों, ये जो है ना 36, ये 36 आ प्लस जो है 19 को जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 55 होगा, ठीक है। और 55 में दोस्तों 36 से भाग देंगे तो 36 का ये 36, ठीक है, 55 में से 36 जाएगा तो 19 शेष बचेगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अगर आप 55 में दोस्तों भाग देंगे, 12 से भी बोल रहा है ना, 12 से जब भाग देंगे तो 12 चौका कितना होगा दोस्तों, 48, ठीक है, 12 चौका 48, तो 55 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 7, यही आपका 7 आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 7 मेरा करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आप लोग जो है ना वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए, साथ में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जरूर लिखेगा दोस्तों। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो आप जो है ना जरूर जो है ना लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या, अगर किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए, यदि 73% छात्र इन दोनों विषय में पास हुए तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषय में फेल हुए। यानी दोनों विषय में जो है ना दोस्तों आपको बता रहा है कि कितने परसेंट दोस्तों फेल हुए। जब दोस्तों फेल हुए है ना तो आपको जो है ना ये देखिए तीन जो दिया हुआ ना 73, 20 और क्या कर रहे थे 15, इन सबको आपस में क्या कीजिए, योग कर दीजिए और टोटल परसेंटेज कितना होता है दोस्तों, 100 में से आप उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको बेसिक रूप से समझा के। चलिए 20% दोस्तों विज्ञान में है प्लस जो है ना 15% गणित में है। देखिए इसको भी फेल में रखना है, इसको भी फेल में रखना है, इसको उसके अपोजिट यानी इसको जो है ना पास में रखना है, ठीक है। तो 15 इसके बाद कितना कितने आदमी जो है ना कितने छात्र पास हुए 73, इसको आप जो है ना प्लस कर लेंगे, माइनस 100 में से आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए तो 20 और 15 कितना होता दोस्तों, 35, ठीक है, 35 और 3 कितना हुआ दोस्तों, 35 और 3 कितना हुआ, 38, 38 में दोस्तों 70 में जो 38 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 108, ठीक है। और 108 में से दोस्तों अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8। तो देखिए 8% कौन सा ऑप्शन है, तो 8% मेरा ऑप्शन नंबर बी में है और 8% जो है ना विद्यार्थी जो क्या हुआ दोस्तों, पास हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सॉरी इन दोनों विषय में फेल हुए कितने, तो 8% विद्यार्थी जो है ना मैथ और जो है ना साइंस में दोस्तों फेल हुआ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों होमवर्क के तौर पर आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा, नहीं बन रहा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पी के मौज मती चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जो है ना आप जो है मैथ पार्ट 77 का जो है ना आप जो है ना वो वीडियो देख लेंगे तो आपको उसमें जो है ना ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप लोग फटाफट सबसे पहले जो कमेंट कीजिएगा दोस्तों उसको जो है ना 100 रुपये का पेटीएम कैश पेमेंट मिलेगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, पी के मौज मती चैनल को सदस्य को दे दीजिए, तो बाकी बात कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।